हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनएनगेट। आज क्लास 7 का 4.6 एक्सरसाइज, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला समझे हुए हैं, यहाँ पे कैसे ये आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, अगर -8 को 6 बार हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका -48 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जिस तरह से दिया है, आप इक्वल जो यहाँ पे जो ब्रैकेट खाली है उस पर आप ये फिल कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। जैसे मैंने ऊपर किया वैसे आप नीचे भी कर दीजिएगा, जैसे कि मैं सो कर ही दे रही हूँ। नहीं, आप 7 को डाइव कर दीजिएगा, -7। ये भी करिएगा तो वही आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। सेवन तो मैं थ्री बार है, तो ये यहाँ के लिए मैंने बताया। ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ पे आपको कितना आएगा, -21। ठीक है, 7 × 3 = 21, और ये माइनस साइन है इसीलिए -21। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर। ठीक है, ये यहाँ के लिए हो गया। फिर यहाँ के आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 12 × 9 = 108 होता है, तो माइनस साइन है यहाँ पे -108। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस वेरीफाई। नंबर 1 है उसका -4,
इंटू थ्री इक्वल्स टू फोर इंटू माइनस थ्री इक्वल्स टू ब्रैकेट। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आपका माइनस ट्वेल्व भी आएगा। ठीक है, कैसा आया? फोर इंटू थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व, और यहाँ पे माइनस है इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस सिक्स इंटू एट। ठीक है, तो आपको वही आंसर आया, सिक्स इंटू एट इक्वल्स टू फोर्टी एट, दैट मीन्स माइनस फोर्टी एट। तो यहाँ पे माइनस आनी, यहाँ पे माइनस आनी, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर थ्री, यहाँ पे आप अपोजिट कर दीजिए साइन को। ठीक है, सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, ये आपको ये हो गया। फिर आगे वाले जिन्हें जाते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस फोर इंटू माइनस थ्री। यहाँ पर माइनस फोर और माइनस थ्री का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो एक ब्रैकेट यहाँ पे छोड़ दिया है टेन नंबर में, माइनस फोर इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी तो आपका जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस फोर इंटू जीरो, जीरो को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो आएगा। आप लोग ये शुरू से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस फोर दिया हुआ है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस फोर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करें कि जीरो आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे माइनस फोर पुट कर देंगे, तो प्लस फोर माइनस फोर कट के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक और दिया है उसी में, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इक्वल्स टू ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट खाली है, माइनस माइनस फोर इक्वल्स टू एट प्लस फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व। ठीक है, सबको ऐसा लाना है कि प्लस ट्वेल्व भी है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये ट्वेल्व हो जा रहा है। यहाँ पे आपका प्लस फोर फिर से दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्लस ट्वेल्व हो जाए। प्लस ट्वेल्व के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एट पुट कर सकते हैं, एट प्लस फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व। ठीक है, अदर भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो लिखूँ आप वही लिखूँ। आप दूसरा लिखें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, अगर वो गलत होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आप दूसरा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंटीजर को भी। चलिए लेटर्स वेरीफाई, माइनस टू इंटू माइनस थ्री यानी इलेवन नंबर में, तो यहाँ पे बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसी तरह से बता रही हूँ। माइनस टू इंटू थ्री इक्वल्स टू ब्रैकेट, ये आप लोगों के लिए क्या हार्ड है, क्या दिया है, माइनस सिक्स डायरेक्ट लिख दो। फिर नेक्स्ट दिया है माइनस टू इंटू टू इक्वल्स टू ब्रैकेट इक्वल्स टू माइनस सिक्स इंटू माइनस माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस प्लस है, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, तो टू इंटू टू इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब निकालिएगा तो वही आएगा माइनस फोर, यहाँ पे प्लस टू हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंस पे आते हैं, माइनस टू इंटू वन इक्वल्स टू ब्रैकेट इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे देखिए पहले कितना वैल्यू जा रहा है, माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लाना है मुझे, माइनस 2 लाना है, तो यहाँ पे प्लस 4 − 6, ठीक है। तो −6 + 4 = −2, और यह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट −2 × 0 = ब्रैकेट, फिर इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 2 × 0, 0 के साथ कुछ भी होगा 0 आएगा, तो आप 2 लिख दो, कट जाएगा। फिर नेक्स्ट −2 × −1 इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू ब्रैकेट 3, ठीक है। 3 ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग के यहाँ पे देख लेते पहले कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 1 = 2, यहाँ पे प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लस 2 लिख दीजिए, ये भी चेक कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे डायरेक्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, −2 × −2 इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस 4 है। यहाँ पे कैसे करिएगा आप, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो 6 − 2 = 4, और यहाँ पे आपको 4 ही लाना है, तो 2 + 2 ये 4, ठीक है। जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल करिए, आपको जो नंबर इजी लगे, जो फर्स्ट टर्म में आ जाए वही लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ वही सही है, कोई भी इंटीजर आप लिख सकते हो जिससे आपका करेक्ट आंसर आए, ठीक है। फिर लास्ट वन, −2 × −3 = ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इक्वल्स टू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस 6 हम लोग को लाना है, माइनस बीच में साइन क्या लिखिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 8 लिख दिया, 2 लिख दीजिए, 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 6, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और कोई भी डाउट होगा और कोई भी सम्स होगा जो मैं यहाँ पे नहीं करा पाई होंगी आपके बुक में होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दीजिएगा, फ़ोटो क्लिक करके दे दीजिएगा, या फिर मेरे चैनल पे, या फिर कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, फेसबुक साइट पे, कहीं भी आप दे दीजिएगा, मैं जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें कि ताकि आगे के बच्चों को भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।